अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुर स्टिचिंग सेंटर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके बॉर्डर में भी कान है, तिरछापन है, फ्रंट और बैक बराबर नहीं आ रहे, तो इसका सबसे ज़्यादा आसान हल कौन सा होगा। पहला हल तो इसका ये है कि हम काट कर बॉर्डर को बराबर कर लें, लेकिन उससे बॉर्डर ज़ाया हो जाता है। लेकिन अब मैं आपके साथ जो हल शेयर करने वाली हूँ उसे आप लाजमी आजमाइएगा। हमारा जो बॉर्डर का फ़र्क है वो 1 इंच का है, तो मैंने पहले देखा कि मेरे बॉर्डर में कौन सा प्रिंट ज़्यादा है कि अगर हम उसको सिलाई में ले भी तो वो ज़्यादा महसूस ना हो। तो ये डब्बियाँ सी ज़्यादा थी, तो मैंने वहाँ से तह लगा ली कपड़े को और आधा इंच हम सिलाई में लेंगे। आधा इंच दाईं जानिब का सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच बाईं जानिब से चला जाएगा, तो 1 इंच पूरा हो जाएगा। अब मैंने सिलाई लेना शुरू की और लेते लेते हाफ तक आते आते मैंने सिलाई को एंड कर दिया, यानी कि एक आधा इंच से मैंने सिलाई लेना शुरू की और आहिस्ता 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 कम होते 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 अब बिल्कुल किनारे पर आ गई और सिलाई को एंड कर दिया। ये पूरे दामन पर नहीं लगाने, सिर्फ आधे दामन तक लगानी थी जहाँ तक हमारा बॉर्डर तिरछा था। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। आपने भी सबसे पहले ये देखना है कि आपका बॉर्डर कहाँ से हम सिलाई में लें कि वो पूरा नहीं लगे और उसमें ज़्यादा जोड़ महसूस ना हो। जब इसको प्रेस वगैरह करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल महसूस नहीं होगा और हमारा बॉर्डर भी बराबर हो गया। इसके अलावा जो ख़वातीन बॉर्डर को और कपड़े को खींच तान के बराबर करती हैं वो बहुत बड़ी गलती करती हैं। उससे बॉर्डर वक्ती तौर पर बराबर आ जाता है लेकिन बाद में शर्ट बहुत मसाइल करती है। तो देखिए हमने पाइपिंग भी लगा ली है, बराबर आ गया सारा बॉर्डर और मुझे बताइए कहाँ पे है जोड़, कहाँ पे महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो चलिए इसी खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।